हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता देवी एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों मैं हूं राकेश चंद्र चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उज्जैन। दोस्तों आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सर्विंग एंड पोजीशनिंग यूनिट सेकंड के अंदर कंपास सर्विंग का टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। कंपास सर्विंग क्या होता है दोस्तों, इसको हम आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम कंपास सर्विंग का, लेक्चर फर्स्ट, ठीक है। लेक्चर सेकंड के अंदर दोस्तों हम इसमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेक्चर फर्स्ट के अंदर हम जो भी डेफिनेशंस वगैरह, जो भी मेथड्स वगैरह, उसके टाइप्स वगैरह, ठीक है, ये हम इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ बियरिंग्स, बियरिंग क्या होती है, तो ये सारी जो भी थ्योरीज वगैरह है ये हम लेक्चर फर्स्ट के अंदर कवर करेंगे। लेक्चर सेकंड के अंदर केवल और केवल हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो है उसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो यदि दोस्तों आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि आगे आने वाले जो मेरी वीडियोस है, लेक्चर्स है, उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। कंपास सर्विंग के बाद में लेवलिंग वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों। लेवलिंग के बाद में प्लान टेबल सर्विंग और थियोडोलाइट सर्वे हम करेंगे। इसके अलावा यूनिट थर्ड हम स्टार्ट करेंगे। गीता देवी एजुकेशन अकेडमी ऑल सिविल इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा सब्जेक्ट यदि आप लोग को पढ़ना है दोस्तों तो आप गीता देवी एजुकेशन अकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करें। क्लास फिफ्थ टेंथ तक ऑल सब्जेक्ट्स कवर करते हैं और 11 से 12 PCM बायोलॉजी साथ में, और यदि इंग्लिश भी यदि आपको सीखना है तो आप गीता देवी अकेडमी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल दोस्तों। साथ ही मैं बिल्डिंग के प्लान भी बनाता हूँ, स्ट्रक्चर को डिज़ाइन भी करता हूँ। यदि आपको बिल्डिंग्स के प्लान बनाना है, स्ट्रक्चर्स को यदि आपको डिज़ाइन करवाना है बिल्डिंग्स को, तो भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपकी बिल्डिंग के प्लान को बना सकता हूँ, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करें दोस्तों। कंपास सर्विंग हम पढ़ रहे हैं। कंपास क्या होता है दोस्तों, तो ये मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग जो देखा था तो इसके अंदर मैंने बताया था कंपास सर्विंग क्या होता है दोस्तों, ठीक है। डायग्राम के अंदर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक ट्राइपोड स्टैंड है, ठीक है, जिसके अंदर ट्राइपोड यानी 3 लेग्स इसके अंदर, और उसके ऊपर हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर रखा है कंपास को, और जो सर्वेयर है वो कुछ ऑब्जर्वेशंस ले रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस हम करते हैं दोस्तों, तो वो होगा हमारा कंपास। इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो सर्वे परफॉर्म करेंगे वो होगा हमारा कंपास सर्विंग, ठीक है। इंट्रोडक्शन की सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपास सर्विंग होता क्या है दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो चेन सर्वे कैन बी यूज्ड व्हेन द एरिया टू बी सर्वेड इज कंप्लीटली स्मॉल एंड फेयरली फ्लैट ग्राउंड, ठीक है। चेन सर्वे के अंदर हमने देखा कि चेन सर्वे हम कब परफॉर्म करते हैं, जब एरिया हमारा क्या हो, रिलेटिवली स्मॉल हो, वो लेवल ग्राउंड होना चाहिए, फेयरली लेवल ग्राउंड होना चाहिए दोस्तों, तो वहाँ पर हम चेन सर्वे परफॉर्म करते हैं। यदि जो एरिया है हमारा वो यदि लार्ज है, अंडुलेटिंग है दोस्तों, और क्राउडेड है मैनी पीपल्स ने, तो उस कंडीशन में दोस्तों हम ट्रायंगुलेशन वाला जो सर्वे होता है, चेन सर्विंग का जो प्रिंसिपल होता है, ठीक, उसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा चेन सर्वे परफॉर्म करना। तो दोस्तों इस टाइप के एरियाज में हम कंपास सर्वे परफॉर्म कर सकते हैं। कंपास सर्विंग के अंदर हम क्या करेंगे, एक कि जो एरियाज होगा उसको हम क्लोज कर सकते हैं या इनक्लोज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें हमको बियरिंग्स या डिटेक्शन एंगल्स वगैरह हमको फाइंड आउट करना रहता है, मेजर करना रहता है विद हेल्प ऑफ कंपास इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, और जो भी सर्वे लाइंस रहती है वो हमको चेन या टेप की हेल्प से दोस्तों इसमें मेजर करना रहती है। बट इसकी कुछ लिमिटेशन भी है कि कंपास सर्विंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एरियाज वेयर लोकल अट्रैक्शन इज सस्पेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक स्टील स्ट्रक्चर्स, आयरन रॉड्स, डिपोजिट, इलेक्ट्रिक केबल्स एक्सेट्रा, ठीक। मतलब आप कंपास सर्वे को दोस्तों आप परफॉर्म नहीं कर सकते इस टाइप के एरियाज में जहां पर आपका लोकल अट्रैक्शंस अवेलेबल रहता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसकी ओर आकर्षित होता है, जिसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उस एरिया में दोस्तों हम कंपास सर्विंग को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपास के अंदर मैग्नेटिक नीडल लगी हुई रहती है दोस्तों। तो वो लोहे से बनी हुई जो वस्तु होती है उसकी तरफ क्या होती है, आकर्षित होती है, उसकी तरफ डिफ्लेक्ट होती है, तो जिसकी वजह से हमको वहाँ पर उस टाइप के एरियाज में मतलब उस एरिया में यदि लोकल अट्रैक्शंस अवेलेबल है, मैग्नेटिक सब्सटेंस यदि अवेलेबल है दोस्तों, तो वहाँ पे हम कंपास सर्वे परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हमको करेक्ट मेजरमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, करेक्ट बेयरिंग हम वहाँ पे मेजर नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग दोस्तों, जिससे हमने चेन सर्विंग का प्रिंसिपल देखा था। चेन सर्विंग का प्रिंसिपल था हमारा ट्रायंगुलेशन, ठीक। वैसे ही कंपास सर्विंग का यदि प्रिंसिपल की बात करते हैं तो कंपास सर्विंग का प्रिंसिपल है दोस्तों ट्रैवर्सिंग, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग इज ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ जो कनेक्ट लाइन्स होती है, सर्वे लाइन्स रहती है, वो एक सीरीज के फॉर्म में कनेक्टेड रहती है दोस्तों, एक सीरीज के फॉर्म में, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार से नंबर ऑफ स्टेशन एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं एक सीरीज के फॉर्म में दोस्तों, उसको हम बोलेंगे ट्रैवर्सिंग, ठीक। अब ट्रेवर्सिंग के अंदर दोस्तों जैसे एक स्टेशन यहाँ पे हो गया हमारा, अगले स्टेशन यहाँ पे हो गया, फिर अगला स्टेशन यहाँ पे हो गया, तो इस प्रकार से ये स्टेशन हो गए हमारे और ये हमारी सर्वे लाइन्स हो गई, ठीक है। तो सर्वे जो स्टेशन रहेंगे वो सर्वे लाइन्स या चेन लाइन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं दोस्तों, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ट्रैवर्सिंग। यानी आप सिंपल लैंग्वेज में इसको आप बोल सकते हैं कि ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सर्वे लाइन्स आर कनेक्टेड टुगेदर या ईच अदर, ठीक। इसके अंदर जो सर्वे लाइन्स होती है दोस्तों उसको हम मेजर करते हैं चेन या टैप की हेल्प से, और उसके बाद जो बियरिंग होती है दोस्तों, बियरिंग या जो एंगल होगा उसको हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, हम मेजर करेंगे, ठीक।
अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ट्रैवर्सिंग की। ट्रैवर्सिंग होती क्या है, ठीक है। ट्रैवर्सिंग की डेफिनेशन मैंने बता दी कि सर्विंग विच इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस, सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस इज नॉन एज ट्रैवर्सिंग, ठीक है, इज नॉन एज ट्रैवर्सिंग। द साइड्स ऑफ ट्रैवर्स इज नॉन एज ट्रैवर्स लेग, जो ट्रैवर्स ये जो है भैया, ठीक है, ये स्टेशन, ठीक है, ये ए स्टेशन हो गया हमारा, उसके बाद ए से बी हो गया, ठीक है, बी से सी, सी से डी और डी से ई, और वापस ई से कहाँ पे आ जाएंगे हम, ए पे आ जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों इस डायग्राम में देखते हैं तो पांच स्टेशन हमको दे रखे हैं, ठीक है, ए से बी जो है हमारी ये क्या सर्वे लाइन से, बी से सी, सी से डी, तो इसके अंदर दोस्तों ए बी, बी सी, सी डी और डी ई और ई ए, ये जो पांच लाइन्स है इसको हम बोलेंगे ट्रैवर्स लेग, ठीक है, जो साइड से है ट्रैवर्स की उसको हम बोलेंगे ट्रैवर्स लेग, ठीक है, या आप सिंपल बोल सकते हो कि सर्वे लाइन्स, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है दोस्तों, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, ठीक है, इस प्रकार से। अब जो ट्रैवर्स होगा दोस्तों वो हमारे हो सकते हैं दो टाइप की, ठीक है, यदि इस प्रकार से फर्स्ट वाला जो डायग्राम दे रखा है इस प्रकार का, यदि कोई एरिया क्लोज है यानी यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ए से यदि हमने मेजर करना स्टार्ट किया है और वापस ए पर ही हम खत्म हो गए मेजर करते करते, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई के बाद में वापस ए पर यदि आ गए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यदि एक दूसरे से यदि मिल रहे हैं तो वो जो ट्रैवर्स होगा दोस्तों उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड ट्रैवर्स, ठीक। इसके बाद सेकंड जो डायग्राम दे रखा नीचे वाला, ये हमारा ओपन ट्रैवर्स है, ठीक है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यदि एक दूसरे से नहीं मिल रहे दोस्तों तो उसको हम बोलेंगे ओपन ट्रैवर्स बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, ओपन ट्रैवर्स, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यदि हमने क्लोज्ड ट्रैवल्स परफॉर्म किया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको चेक लगाना है कि वेदर द ट्रैवल्स इज परफॉर्म, ठीक है, करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। जो हमने ट्रैवल्स परफॉर्म किया है क्लोज्ड ट्रैवल्स, पहली बात कर रहे हैं हम क्लोज्ड वाले ट्रैवल्स की, ये जो ट्रैवल्स हमने परफॉर्म किया है वो हमारा करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो इसके लिए आपको चेक लगाना है दोस्तों, ठीक है। तो इस ट्रैवल्स के अंदर हम देखते हैं कि जो ट्रैवल्स होगा, इस ट्रैवल्स के अंदर हमारे पास क्या है, इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है, अंदर वाले जो एंगल्स होंगे उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, और जो बाहर वाले एंगल्स होंगे उसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो यदि हमने इंटीरियर एंगल्स यदि मेजर किए हैं, अंदर वाले यदि एंगल्स कोण हमने फाइंड आउट करे हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको चेक लगाना है, क्या लगाना है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड क्लोज्ड ट्रैवल्स इज इक्वल टू आना चाहिए 2n-4, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है दोस्तों 2n-4, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2n-4 इनटू 90 डिग्री, ठीक है, n जो है दोस्तों ये हमारे सर्वे लाइन से या ट्रैवर्स लेग है दोस्तों, ठीक। यदि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स है दोस्तों, तो एक्सटीरियर एंगल्स के अंदर का फार्मूले के अंदर केवल क्या आएगा, हमारा प्लस का साइन आ जाएगा, 2n+4 इनटू 90 डिग्री। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड ट्रैवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2n+4 इनटू 90 डिग्री। तो इस फार्मूले से दोस्तों हम पता कर लेंगे कि जो भी हमने ट्रैवर्स परफॉर्म किया है वो हमारा सही है या गलत, मतलब यदि हमने अंदर वाले एंगल हमने हमारे पास है दोस्तों, पांचों एंगल यदि है इस प्रकार से, तो हम पहला वाला फार्मूला लगाएंगे कि जो हमने ट्रैवल्स परफॉर्म किया वो सही है या गलत। तो इस फार्मूले से जो वैल्यू यदि हमारी इक्वल आ रही है, जितने भी हमने इंटर एंगल्स फाइंड आउट करें उनका जो टोटल आना चाहिए दोस्तों वो इसके इक्वल आना चाहिए, 2n-4 इंटू 90 डिग्री के। यदि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स है दोस्तों, यदि बाहर वाले यदि एंगल्स दे रखे हैं, बाहर वाले कौन से, ये वाले एंगल, ठीक, तो बाहर वाले यदि एंगल्स हैं हमारे पास ये, तो फिर सेकंड वाला फार्मूला हमको लगाना है, कौन सा, 2n+4 इंटू 90 डिग्री। एक टोटल जो एक्सटर एंगल्स है उनका टोटल जाना चाहिए, समाना चाहिए अलजेब्रिक सम 2n+4 इनटू 90 डिग्री। इसके अलावा दोस्तों यदि हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल्स हैं, ठीक है, अब डिफ्लेक्शन एंगल्स किसको बोलेंगे, डिफ्लेक्शन एंगल की बात करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ से ए सी स्टार्ट किया है, ठीक है, ए सी हमने स्टार्ट किया है और ये लाइन हमारा डिफ्लेक्शन एंगल हो गया। अब ये लाइन इधर जाना चाहिए थी सीधी, ठीक है, बट ये डिफ्लेक्ट होकर किधर आ गई, यहाँ से ये इधर आ गई है, तो ये डिफ्लेक्शन होगा लगा, मतलब जाना चाहिए थी ये वाली लाइन सीधी, बट ये डिफ्लेक्ट होगा इधर सी तरफ आ गई है, ठीक है, ये आ गई है, तो ये जो होगा दोस्तों हमारा ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन एंगल होगा। तो इसमें द अलजेब्रिक सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल जो होना चाहिए वो दोस्तों कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, यानी ये भी आ रहा है तो भी हमारा ट्रैवर्स जो है क्लोज वाला ट्रैवर्स वो हमारा सही है। इसके बाद यदि ओपन ट्रैवर्स यदि हम परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो ओपन ट्रैवर्स के लिए आपको चेक कैसे लगाना है कि इन दिस द मेजरमेंट कैन नॉट बी चेक डायरेक्टली बट सम फील्ड मेजरमेंट्स आर हेल्पफुल टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ सर्वे वर्क, ठीक। इसमें आप इस प्रकार से कर सकते हो कि ए वाले स्टेशन से आप डी वाले स्टेशन तक एक लाइन ड्रा करें, ठीक है, एक लाइन ड्रा करें और उसको आप मेजर करें और उसको आप फील्ड पर जाकर चेक करें कि जितनी हमने सीट या जो भी हमारी ड्राइंग सीट है, ठीक है, जितना हमने प्लान पर ड्रा कर रखा है उतनी यदि आपको मिल रही है फील्ड पर, इसका मतलब हमारा ट्रैवर्स जो है वो हमारा सही आ रहा है, ठीक है। तो ए से लगा के जो डी तक की जो हमारा डिस्टेंस होगी, जो ट्रैवर्स हमने परफॉर्म किया वो हमारा सही होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप ओपन ट्रैवर्स परफॉर्म कर सकते हैं। अब क्लोज ट्रैवर्स आपको किस कंडीशन में परफॉर्म करना है दोस्तों, तो यहाँ पे क्लोज ट्रैवर्स हो रहा है मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे फिनिश हो रहा है। इसका मतलब यदि कोई भी आपको बाउंड्री को लोकेट करना है, कोई भी एरिया आपको इनक्लोज करना है, मेजर करना है दोस्तों, तो उस कंडीशन में आप क्लोज वाला ट्रैवर्स परफॉर्म करेंगे। यदि आपको रोड का सर्वे करना है, रेलवे लाइन का, वाटर सप्लाई लाइन का, तो उसका यदि आपको सर्वे करना है दोस्तों, तो वह हमारा ओपन ट्रैवर्स के अंदर आएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कंपास होता क्या है, ठीक है। कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर ग्रेजुएशंस रिंग होती है या सर्कल होता है, ग्रेजुएशन जिसको हम बोले, इसके अंदर रीडिंग्स लिखी रहती है। तो एक कंपास इज ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रेजुएटेड सर्कल होता है जिसके अंदर रीडिंग लिखी रहती है एंड ए लाइन ऑफ साइट, और उसके अंदर एक लाइन ऑफ साइट होती है दोस्तों, ठीक।
इसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक नीडल जो होती है। द कंपास के नॉट मेजर एंगल बिटवीन टू लाइंस डायरेक्टली। कंपास जो होता है दोस्तों वो किसी भी दो लाइन के बीच का डायरेक्ट एंगल नहीं देता है, बट ये क्या करता है दोस्तों किसी न किसी रिफरेंस मेरिडियन के अबाउट क्या देता है, एंगल देता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है, सिंपल किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का आप एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ कंपास। इसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, बियरिंग्स फाइंड आउट करते हैं। बट कैन मेजर एंगल ऑफ ए लाइन विद रेफरेंस टू मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक नीडल लगी हुई रहती है दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। बात करते हैं कि कंपास कितने टाइप्स की होती है, तो टाइप्स आप कंपास कितने देखते हैं दोस्तों, तो दो टाइप के कंपास होते हैं। एक होता है हमारा प्रिज्मेटिक कंपास होता है और दूसरा होता है हमारा सर्वे कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर और सर्वे कंपास के अंदर दोस्तों एक डिफरेंस बता देता हूँ पहचानने के लिए। प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर एक प्रिज्म लगा हुआ रहता है, ठीक। सर्वे कंपास के अंदर प्रिज्म लगा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है पहचानने का, ठीक। ये इस टाइप का जो डायग्राम दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको इमेज दिखाई दे रही, फोटो दिखाई दे रही है, हमारा प्रिज्मेटिक कंपास है, ठीक। ये हमारी इधर आई साइड है दोस्तों इसकी, ठीक है। और ये हमारी ऑब्जेक्ट वाली साइड है, ठीक है। ये हमारी ऑब्जेक्ट वाली साइड है। ये दोस्तों यहाँ पर एक प्रिज्म लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रिज्म लगा हुआ है इस प्रकार से। यहाँ पे एक स्लाइड लगी हुई है जिसके अंदर एक हॉल बना हुआ है, इसके अंदर से हमको देखना रहते हैं। और ये सनग्लासेस है दोस्तों, यदि ये जो रिंग दिखाई दे रही है इसके ऊपर यदि मान लो आपको थोड़ी सी लाइट आ रही है, चमक आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो ये जो हमारे सनग्लास जो लगे हुए हैं इसकी हेल्प से थोड़ी सी छांव हो जाएगी, इमेज रिकॉर्डिंग आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक। और ग्रेजुएशन यदि मान लो ज़्यादा हाइट पर है, इंस्ट्रूमेंट हमारा ज़्यादा हाइट पर कर रखा है, ऑब्जेक्ट देखने में आपको दिक्कत आ रही है, तो ये जो मिरर लगा हुआ है इसकी हेल्प से आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा दोस्तों, ठीक। इसके अलावा मैग्नेटिक नीडल लगी रहती है, तो इसके अंदर दोस्तों ध्यान रखना प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर जो ये जो दिखाई दे रही है ये ग्रेजुएशन रिंग है या ग्रेजुएशन सर्कल है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक नीडल है दोस्तों, तो ग्रेजुएशन सर्कल और मैग्नेटिक नीडल दोनों एक दूसरे से अटैच रहती है। ये पीवोट है, पीवोट के ऊपर क्या होती है, टिकी रहती है, दोनों एक दूसरे से अटैच रहती है दोस्तों। सर्वे कंपास के अंदर क्या होता है ऐसा नहीं होता, पीवोट के ऊपर, ठीक है, केवल मैग्नेटिक नीडल रहती है और जो ग्रेजुएशन रिंग रहती है वो डायरेक्ट कंपास के अंदर अटैच रहती है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास की, और भी डायग्राम देखते हैं दोस्तों, ठीक है। ये प्रिज्मेटिक कंपास है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आई साइड की तरफ से, ठीक है। ये सनग्लास से मैंने बता दिया, या आई बीन हो गया। ये एक पतली सी स्लाइड लगी हुई है यहाँ पे, जिससे हमको ऑब्जेक्ट को रेंज करना रहता है, साइटेड करना रहता है, और एक होल है जिसके अंदर से हम क्या करेंगे, रीडिंग देखेंगे। प्रिज्म के अंदर एक होल है, ठीक है। उसके बाद हिंज है यहाँ पे, जो थोड़ा सा क्या रहता है, ये टेढ़ा या मेढ़ा हो जाता है, मतलब टिल्ट हो जाता है, झुक जाता है, ठीक। इसके अलावा ये हिंज स्ट्रेप है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और ये फोकसिंग स्टूड है, मतलब इसको आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं। यदि आपका जो रीडिंग है यदि वो क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, अब रीडिंग कौन सी, ये जो ग्रेजुएशन रिंग है यही वाली रीडिंग हमको यहाँ पे नीचे दिखाई देगी प्रिज्म के नीचे। यदि रीडिंग हमको क्लियर दिखाई दे रही है तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं फोकसिंग स्टूड की हेल्प से दोस्तों, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं कंपास होता है मेटल का बना होता है दोस्तों, ठीक है, मेटल बॉक्स होता है। इसके अलावा ये हमारा क्या है, लिफ्टिंग लेवर बोलते हैं इसको हम। ये मैग्नेटिक नीडल है, इसके ऊपर एक अगेट केप लगी हुई रहती है और नीचे हमारा राइडर रहता है दोस्तों, ठीक। इसके अलावा इधर एक लेफ्ट पिन होती है, लिफ्टिंग पोल जिसको हम बोलेंगे। इस यहाँ पर भी एक हिंज रहता है जो कि टर्निंग मतलब टिल्ट हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मिरर हमारा एडजस्टेबल है, ठीक। इसके ऊपर एक ग्लास कवर लगा होता है और ये हमारी ग्रेजुएशन रिंग है। इसके अलावा देखते हैं हम तो यहाँ पे हमारा प्रिज्म लगा हुआ रहता है, ठीक है। और प्रिज्म केप भी लगी रहती है दोस्तों, नीचे डस्ट वगैरह ना जाए वहाँ पे एक प्रिज्म केप भी लगी हुई रहती है। इधर हमारा ऑब्जेक्टिव इन हो गया, क्रॉस हेयर मतलब एक धागा बंधा हुआ दिखेगा यहाँ पे आपको, ठीक है। और इसके अलावा एक यहाँ पे हो गया स्लाइडिंग अरेंजमेंट फॉर मिरर के लिए, ऊपर नीचे हो जाएगा आपका मिरर को, यदि आपको एडजस्ट करना है तो आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। ये एक और टाइप का दोस्तों इस प्रकार का, हाँ, एक और ब्रेक पिन जो ग्रेजुएशन रिंग है दोस्तों। ग्रेजुएशन रिंग जो हमारी है वो यदि मान लो रोटेट हो रही है तो उसको रोकने के लिए, या मान लो रुक गई है तो उसको आपको चेक करने के लिए एक ब्रेकिंग पिन होता है, या ब्रेक पिन बोलते हैं इसको। आप आगे तरफ प्रेस करेंगे, ठीक है, तो इससे हमारे पता चल जाए कि कहीं ना कहीं ये जो है हमारी ग्रेजुएशन रिंग वो कहीं अड़ तो ना गई है, किसी से टच तो नहीं हो रही है, ठीक है। ये बिल्कुल फ्रीली होना चाहिए दोस्तों, सस्पेंडेड होना चाहिए, ठीक है, तभी डायरेक्शन आपको प्रॉपर मिलेगी। कौन कौन सी पार्ट्स होते हैं दोस्तों, तो ये जो मैंने पार्ट्स आपको डायग्राम में दिखाई वही पहले पार्ट्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा मेटल बॉक्स होता है, ठीक है, फिर पिवोट होता है, पिवोट के बाद में हमारा लिफ्टिंग पिन या लिफ्टिंग लेवर बोल सकते हो, मैग्नेटिक नीडल, ग्रेजुएशन रिंग, प्रिज्म, ऑब्जेक्ट वेन, आई वेन, ग्लास कवर, सन ग्लासेस, रिफ्लेक्टिंग मिरर, और एक हमारा एक ब्रेक पिन होता है जिसको आप स्प्रिंग पिन भी बोल सकते हो, ठीक। अब कौन कौन से जो एलिमेंट्स है दोस्तों, ये सारे एलिमेंट्स का इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। जो हमारा बॉक्स होता है, मेटल का बॉक्स होता है, सिलिंड्रिकल जो शेप होती है, तो सिलिंड्रिकल मेटल बॉक्स इज हैविंग डायमीटर ऑफ 8 से 12 सेंटीमीटर। इट प्रोटेक्ट द कंपास एंड फॉर्म्स एंटायर केसिंग और बॉडी ऑफ द कंपास। इट प्रोटेक्ट कंपास फ्रॉम डस्ट, रेन एक्सेट्रा। इसके बाद होता है हमारा पिवोट। पिवोट इज प्रोवाइडेड इन द सेंटर ऑफ द कंपास एंड सपोर्ट्स फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल ओवर इट। मतलब इसके ऊपर क्या होती है, ये जो पिवोट होता है, ठीक है, इसके ऊपर ही हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल अटैच रहती है दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लिफ्टिंग पिन एंड लिफ्टिंग लेवर, या लिफ्टिंग पिन इज प्रोवाइडेड जस्ट बिलो द साइड वेन, जो साइड वेन होती है उसकी जस्ट बिलो होता है। वेन द साइड वेन इज फोल्डेड, इट प्रेस, ठीक है, इट प्रेसेज द लिफ्टिंग पिन। द लिफ्टिंग पिन विद द हेल्प ऑफ लिफ्टिंग लेवर देन लिफ्ट द मैग्नेटिक नीडल आउट ऑफ पिवोट पॉइंट टू प्रिवेंट डैमेज टू द पिवोट हेड। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल इज द हार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि यही नहीं होगी तो आप रीडिंग कैसे मेजर करेंगे। दिस नीडल मेजर्स एंगल ऑफ लाइन फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन, एज द नीडल ऑलवेज रिमेंस पॉइंटेड टुवर्ड्स नॉर्थ
साउथ पोल एट द टू एंड्स ऑफ द नीडल व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड ऑन द सपोर्ट। यदि आप कंपास को किसी भी कंडीशन में आप यदि रखेंगे किसी हॉरिजॉन्टल प्लेस पर दोस्तों, तो वो फ्रीली सस्पेंडेड रुकने के बाद में जो डायरेक्शन बताएगा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताएगा दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा ग्रेजुएटेड सर्कल या ग्रेजुएशन रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी दोस्तों हमारे पिवट के ऊपर ही रहती है, जिससे मैग्नेटिक नीडल और जो ग्रेजुएशन रिंग रहती है दोनों एक दूसरे से अटैच रहती है। दिस इज एन एल्यूमिनियम ग्रेजुएशन रिंग ग्रेजुएटेड रिंग मार्क्ड विद 0° to 360 यानी होल सर्कल बेयरिंग होता है दोस्तों। इसके अंदर 0 से 360 डिग्री का एंगल पर मेजर्स आर पॉसिबल बेयरिंग्स ऑफ लाइंस एंड अटैच्ड विद द मैग्नेटिक नीडल द रिंग इज ग्रेजुएट टू हाफ ए डिग्री। हाफ ए डिग्री यानी दोस्तों इसके अंदर जो डिग्री होती है वो 30 मिनट का दोस्तों इसके अंदर मिनिमम लिस्ट काउंट होता है, ये ध्यान रखना आपको। मिनिमम लिस्ट काउंट होता है 30 मिनट्स होता है, ठीक। प्रिज्म इज यूज टू रीड ग्रेजुएशन ऑन रिंग एंड टू टेक एग्जैक्टली रीडिंग बाय कंपास। इट इज प्लेस एग्जैक्टली अपोजिट टू ऑब्जेक्ट व्हेन द प्रिज्म होल इज प्रोटेक्टेड बाय प्रिज्म केप टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट एंड मॉइस्चर। जो प्रिज्म होता है दोस्तों उसके नीचे एक प्रिज्म केप भी लगी हुई रहती है, ठीक है, जिससे उसके अंदर डस्ट वगैरह ना घुसे। ऑब्जेक्ट व्हेन इज डायमेट्रिकली अपोजिट टू द प्रिज्म एंड आई व्हेन द ऑब्जेक्ट व्हेन इज कैरिंग ए हॉर्स हेयर, ठीक है, एक धागा बंधा हुआ रहता है दोस्तों, ठीक है, जिसको ही हमको टारगेट करके हमको जो भी रेंजिंग रोड या जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उसको हमको साइटेड करना रहता है। आई वेन इज फाइन स्लाइट लगी रहती है, इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है, फाइन स्लाइट लगी रहती है प्रोवाइडेड विद द आई होल एट बॉटम टू बाइसेक द ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लाइट। इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए ग्लास कवर लगा रहता है। सन ग्लासेज देर आर यूज दिस आर यूज वेन सम लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर टू बी बाइसेक्टेड। रिफ्लेक्टिंग मिरर इट इज यूज टू गेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड अबव और बिलो द इंस्ट्रूमेंट लेवल वाइल बाइसेक्शन इट इज प्लेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट वैन। इसके अलावा ब्रेक पिन होता है टू डैम द ऑसिलेशन ऑफ द नीडल बिफोर टेकिंग ए रीडिंग एंड टू ब्रिंग इट टू रेस्ट क्विकली। मतलब मैंने वही बताया कि आपको उसका जो ऑसिलेशन है उसको जो रोटेट हो रही है कि नहीं हो रही है उसको आपको चेक करने के लिए हम ब्रेक पिन की हेल्प लेते हैं। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब हम सर्वे परफॉर्म करते हैं, कंपास सर्वे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो आपको प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर क्या क्या टेम्प्ररी एडजस्टमेंट करना रहते हैं दोस्तों, तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तीन टाइप के हमको करना रहती हैं। पहली होती है हमारी दोस्तों प्रोसेस होती है वो होती है सेंटरिंग। सबसे पहले हमको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट को आपको शिफ्ट चेंज करना है, ठीक है, सेट करना है। ट्राइपॉड स्टैंड लगाना है और ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमको क्या करना है, कंपास को आपको सेट करना है। सेट करने के बाद दोस्तों हमको क्या करना है, सबसे पहले उसकी सेंटरिंग करना है। सेंटरिंग कैसे करेंगे, तो सेंटरिंग के लिए हमको क्या करना है दोस्तों कि जो भी हमारा कंपास है, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड का स्टेशन हमने बना दिया, तो ये जो ग्राउंड का स्टेशन से दोस्तों सेंटर पॉइंट जो है और जो इंस्ट्रूमेंट का सेंटर पॉइंट है वो दोनों एक अलाइनमेंट में होना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल पब्बल्स जो पत्थर वगैरह होंगे, टुकड़े होंगे, छोटे कंकर वगैरह, उसको हम क्या करेंगे इंस्ट्रूमेंट के नीचे से, यहाँ से हम क्या करेंगे छोटे पत्थर को नीचे की तरफ क्या करेंगे उसको गिराएंगे, तो वो बिल्कुल एक्जैक्टली इसी सेंटर पॉइंट पर क्या होना चाहिए दोस्तों, गिरना चाहिए। यदि इस पर गिर रहा है इसका मतलब वो सेंटर पर नहीं गिर रहा, तो फिर हम क्या करेंगे जो लेग है हमारे ट्राइपॉड स्टिक के जो लेग है इनको हम क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, ठीक है, इधर उधर हम हिलाएंगे, ठीक है, और इसको हम फिर से हम चेक करेंगे पेबल्स को हम गिराएंगे नीचे, तो वो एक्जैक्टली इसी सेंटर पॉइंट पर क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए। मतलब इंस्ट्रूमेंट का जो सेंटर पॉइंट है और नीचे वाला जो ग्राउंड पे आपने जो बना रखा है दोनों का अलाइनमेंट दोनों क्या होना चाहिए, एक लाइन पे होना चाहिए। इस प्रकार से हम सेंटरिंग करते हैं, या आप सेंटरिंग इस प्रकार से भी कर सकते हैं दोस्तों कि जो मैंने बताया था इंस्ट्रूमेंट के अंदर कि जो हमारा प्लम्ब बॉब होता है, ठीक है, प्लम्ब बॉब जो होता है उस प्लम्ब बॉब को हम क्या करेंगे यहाँ से नीचे की तरफ हम लटकाएंगे, ठीक है, जो लट्टू जैसा था हमारा, ठीक है, एक रस्सी बंधी हुई रहती है उसमें लट्टू जैसा बंधा जिसको हम बोलते हैं लट्टू, ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे लटका के देखेंगे यहाँ से सेंटर से, और ये जो है ये ग्राउंड पर जो मार्क बना हुआ है इस पर बिल्कुल आना चाहिए। तो इस प्रकार से भी दोस्तों आप प्लम्ब बॉब जिसको हम बोलते हैं प्लम्ब बॉब की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं सेंटरिंग कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद होती है सेकंड पॉइंट होता है हमारा लेवलिंग। लेवलिंग किसे करना है दोस्तों, तो जो कंपास है, ठीक, वो प्रॉपर लेवल पे होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने बताया था ब्रेक पिन की हेल्प से आपको चेक करना है कि जो हमारी जो रिंग है ग्रेजुएशन रिंग है वो कहीं टच तो नहीं हो रही है, कहीं अर्थ तो नहीं रही है कंपास बॉक्स से, ठीक, तो वो फ्रीली क्या होना चाहिए थोड़ी सी मूव होना चाहिए और बिल्कुल प्रॉपर लेवल पर होना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से आप उसका लेवल चेक कर सकते हैं, या कोई एक और भी आप प्रोसेस कर सकते हैं कि उसके ऊपर कोई भी आप पेंसिल वगैरह है या जो चॉक वगैरह है उसको भी आप रोल करवा के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर यदि रोल हो रही है मतलब कहीं ना कहीं टिल्ट है, तो वो लेवल यदि होगा तो वो रोल नहीं होगी, है ना, रुकेगी नहीं। इसके बाद होता है दोस्तों हमारा फोकसिंग। फोकसिंग किससे करते हैं, द प्रिज्म इज मूव्ड अप, ठीक है, फोकसिंग किससे करते हैं ऑब्जेक्ट को, द प्रिज्म इज मूव्ड अप और डाउन इन इट्स स्लाइड टिल द ग्रेजुएशन रिंग ऑन द एल्यूमिनियम रिंग आर सीन क्लियर। जब तक कि हमको जो ग्रेजुएशन जो रिंग है उसकी जो रीडिंग है दोस्तों वो क्लियर ना दिखाई दे तब तक हम क्या करेंगे उसको मूव करते जाएंगे दोस्तों, ठीक है, उसको हम मूव करते जाते हैं और उसको हम साइटेड करते जाते हैं जो भी रेंजिंग रोड है दोस्तों उसको, और फिर जितनी भी रीडिंग आ रही है दोस्तों नॉर्थ से हम उसकी रीडिंग पढ़ लेंगे कि कितना मैग्नेटिक बियरिंग हुआ है। अब हम कैसे नोट करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो ऑब्जर्विंग बियरिंग ऑफ ए लाइन, बियरिंग हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं दोस्तों, इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, कंसीडर ऑफ ए लाइन, कंसीडर ए लाइन ए बी विच द मैग्नेटिक बियरिंग इज टू बी टेकन। कोई भी एक लाइन हमको जैसे ग्राउंड है, ठीक है, उसमें हमको क्या करना है, कोई भी एक लाइन हमको क्या करना है कंसीडर करना है, ठीक है, ये एक लाइन दोस्तों हमने कंसीडर की है, डायग्राम में देखते जाना आप, इस डायग्राम को आप वन बाय वन करके देखिए। बाय फिक्सिंग द रेंजिंग रोड एट स्टेशन बी,
कंसीडर ए लाइन ए बी ऑफ विच द मैग्नेटिक बेयरिंग इज टू बी टेकन, एक लाइन आपको कंसीडर करना है ठीक, और उसके बाद ए वाले स्टेशन पे हमको इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है, बी वाले पे आपको रेंजिंग रोड को लगाना है। बाय फिक्सिंग द रेंजिंग रोड एट स्टेशन बी वी गेट द मैग्नेटिक बेयरिंग ठीक है ऑफ निडल विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ पोल, द इनलार्ज पोर्शन गिव्स एक्चुअल पैटर्न ऑफ ग्रेजुएशन मार्क डाउन रिंग। ठीक है, डायग्राम को आप देखिए, ये दोस्तों हमारा हो गया है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। ठीक है, इसके अंदर एंगल्स कितने होंगे, बेयरिंग्स कितनी होगी, तो वो हमने होल सर्कल बेयरिंग मैंने बताया था, तो वो यहाँ पे मार्क कर देंगे हम। ठीक है, ये इस प्रकार से 180 रहेगा हमारा नॉर्थ पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट बी हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक, ये लाइन ऑफ साइट हो गई हमारी, और ये हो गया हमारा 0 डिग्री हो गया साउथ पर। ठीक, और ये बीच में हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे रखा हुआ है, ए पर रखा हुआ है, ए वाले स्टेशन पे हमने इंस्ट्रूमेंट को रखा हुआ है, और बी वाले स्टेशन पे रनिंग रोड को रखी हुई है। और नॉर्थ से दोस्तों हमको क्या करना है, बेयरिंग्स मेजर करना है, नॉर्थ से हमको क्या करना है, बेयरिंग्स मेजर करना है। तो ये बेयरिंग्स कितनी है दोस्तों, ये हमको मेजर करना है। ठीक है, तो ये जो बेयरिंग होगी, ठीक है, ये हमको जितनी भी बेयरिंग्स होगी दोस्तों, वो हमको ये यहाँ पर साउथ जो दिखाई दे रहा है जीरो, जहाँ पे प्रिज्म लगा हुआ रहता है, तो ये प्रिज्म के नीचे आपको रीडिंग दिखाई देगी दोस्तों। तो ये कितनी रीडिंग है ये, वो हमको नोट डाउन करना रहेगी। ठीक है, कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, कितना डिफ्लेक्ट हुई है हमारी मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ के रेस्पेक्ट में, वो हमको नोट डाउन इसमें करना रहता है दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करते हैं सर्वे कंपास। ठीक है, तो सर्वे कंपास भी सिमिलर रहता है, इसके अंदर प्रिज्म लगा हुआ नहीं रहता है। और एक और ये, इट इज सिमिलर टू प्रिज्मेटिक कंपास एक्सेप्ट दैट इट हैज ओनली ए प्लेन आई स्लाइड, इसके अंदर जो होती है प्लेन आई स्लाइड होती है, उसके अंदर फाइन होती है, इंस्टेड ऑफ आई स्लाइड विद द प्रिज्म एंड आई होल, इसमें प्रिज्म भी लगा हुआ नहीं रहता है दोस्तों। दिस कंपास इज हैविंग पॉइंटेड नीडल होती है इसके अंदर, उसके अंदर एज टाइप होती है दोस्तों, थोड़ी मोटी वाली होती है, ब्रॉड टाइप होती है, और इसके अंदर पॉइंटेड होती है, यानी एज टाइप होती है, एज बार टाइप, प्लेस ऑफ ब्रॉड टाइप फॉर्म निडल एस इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर जो होती है वो ब्रॉड टाइप होती है, थोड़ी मोटी वाली होती है दोस्तों। ठीक, और इसके अंदर पतली नुकीली वाली होती है। ठीक है, ये इस टाइप का, ये दोस्तों इसमें लेवल है। ठीक है, ये बबल ट्यूब जो है उसको आपको सेंटर में लेके आना रहता है, और ये हमारी मैग्नेटिक निडल है दोस्तों। इसमें जो है ग्रेजुएशन जो रिंग है दोस्तों, वो कंपास से ही अटैच है, एक तरफ हमारा ऑब्जेक्ट साइड है और एक तरफ हमारी क्या है, इसमें आई साइड है दोस्तों। अगला डायग्राम देखते हैं हम, ये सर्वे कंपास है, ये एक और डायग्राम हमारा। ठीक है, इसमें आपको प्रिज्म दिखा हुआ नहीं दे रहा है। ठीक, ये इस टाइप का हमारा, इसका जो लिस्ट काउंट रहता है दोस्तों, वो 1 डिग्री का रहता है। ठीक है, 1 डिग्री का लिस्ट काउंट रहता है, यानी मिनिमम हम इसमें 1 डिग्री तक इसमें रीडिंग नोट कर सकते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास में इसका आधा, मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी हुई है यदि बात करते हैं, तो एक्यूरेसी वाइज यदि बात करते हैं, तो प्रिज्मेटिक कंपास ज़्यादा एक्यूरेट हुआ इससे, क्योंकि उसका लिस्ट काउंट 30 मिनट है और इसका 1 डिग्री है। ठीक है, अब यदि वर्किंग की बात करते हैं सर्वे कंपास की दोस्तों, सेंटरिंग आपको ऐसे ही करना है, लेवलिंग भी आपको वैसे ही करना है, बट जो थर्ड वाली है दोस्तों, इसमें थर्ड वाली आपको कैसे करना है, थोड़ी सी डिफर है। ऑब्जर्विंग द बेयरिंग ऑफ ए लाइन, ठीक है, फर्स्ट टू ऑब्जर्वेशंस आर सेम एज प्रिज्मेटिक कंपास, बट थर्ड ऑब्जर्वेशंस डिफर फ्रॉम दैट। ऑब्जर्विंग द बेयरिंग ऑफ ए लाइन कैसे करेंगे, तो इन दिस कंपास द रीडिंग इज टेकन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्लास एंड अंडर द टिप ऑफ नॉर्थ एंड ऑफ द मैग्नेटिक नीडल डायरेक्टली, नो प्रिज्म इज प्रोवाइडेड हियर, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रिज्म लगा हुआ नहीं है दोस्तों। तो इसके अंदर जो भी हम रीडिंग नोट करेंगे दोस्तों, वो आप डायरेक्टली नोट करेंगे। ठीक है, जहां पर भी आपको साइटेड करने के बाद में, रनिंग रोड को साइटेड करने के बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा, जो रनिंग रोड होगा, वो जितना भी रिफ्लेक्शन होगा इसमें, जितनी बेयरिंग होगी दोस्तों, वो आपको डायरेक्टली आपको ग्लास से ऊपर से ही आपको क्या करना है, रीडिंग को पढ़ना है। जितनी भी हमारी मैग्नेटिक नीडल, जहां पर जितना भी रिफ्लेक्शन होगा, वो आपको डायरेक्ट पढ़ना है, कितना रिफ्लेक्शन हुआ या कितनी बेयरिंग हुई है दोस्तों। इसके बाद कुछ डिफरेंस होता है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे कंपास के अंदर दोस्तों, तो ये एग्जाम पॉइंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वे कंपास में क्या डिफरेंस होता है, ये देख लीजिए। प्रिज्मेटिक कंपास की बात करते हैं, पहले दे रखा प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है, सेकंड जो दे रखा हमारा सर्वे कंपास दे रखा है। तो प्रिज्मेटिक कंपास की दोस्तों बात करते हैं, तो पहली जो डिफरेंस हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा कि जो निडल रहती है वो हमारी ब्रॉड टाइप होती है मैग्नेटिक निडल। तो ए ब्रॉड टाइप मैग्नेटिक निडल इज यूज, इसके अंदर जो होती है सर्वे कंपास के अंदर, वो एज बार टाइप होती है या पॉइंटेड होती है। ठीक, उसके अलावा प्रिज्मेटिक कंपास की बात करते हैं, तो ग्रेजुएशन जो रहता है दोस्तों, वो WCB में रहता है, यानी होल सर्कल बेयरिंग में रहता है, और इसके अंदर जो रहता है सर्वे कंपास के अंदर, वो RB सिस्टम में रहता है, यानी क्वाड्रेंट में रहता है, क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में। इसके अलावा थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो ग्रेजुएशन रिंग अटैच टू द निडल, ग्रेजुएशन जो रिंग रहती है और जो निडल रहती है दोस्तों, मैग्नेटिक निडल दोनों एक दूसरे से अटैच रहती है, बल्कि सर्वे कंपास के अंदर ऐसा नहीं रहता है, ग्रेजुएशन रिंग इसमें बॉक्स से ही अटैच रहती है। फोर पॉइंट बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट वेन कंसिस्ट ऑफ वेन विथ ए वर्टिकल हेयर, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट वेन कंसिस्ट ऑफ मेटल वेन विथ ए वर्टिकल हेयर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आपका। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो आई वेन कंसिस्ट ऑफ फाइन, ठीक है, विथ स्लेट नियर द प्रिज्म में, इसमें क्या होता है, आई वेन कंसिस्ट ऑफ मेटल वेन, ठीक है, इसके अंदर मेटल वेन होता है, और इसके अंदर हमारा क्या होता है, स्मॉल मेटल वेन होता है विथ स्लाइट नियर द प्रिज्म। रीडिंग्स एंड साइटिंग बोथ कैन बी डन साइमल्टेनियसली, नहीं और एक ही जगह से लेते हैं, और इसके अंदर हम दोनों अलग अलग लेते हैं, सेपरेट लेते हैं। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर दोस्तों हम लेते हैं द रीडिंग इज टेकन विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म, ठीक है, और इसके अंदर डायरेक्टली लेते हैं दोस्तों। इसके प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर दोस्तों हम जो ट्राइपॉड स्टैंड होता है उसको यूज़ कर भी सकते हैं या नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हाथ में लेके भी हम कर सकते हैं, बट सर्वे कंपास को बिना ट्राइपॉड के मेजर नहीं कर सकते रीडिंग को हम।
इसके अलावा प्रिज्मेटिक कंपास की बात करते तो होल सर्कल बेयरिंग रहता है, इसमें ग्रेजुएशन जो रहता है 0 डिग्री रहता है साउथ पे रहता है, 90 डिग्री रहता है हमारा वेस्ट, जो अभी हमें डायग्राम में दिखा था 180 रहता है हमारा नॉर्थ पे और 270 रहता है ईस्ट पे, ठीक है इस प्रकार से। और जो सर्वे कंपास होता है उसमें 0 डिग्री रहता है नॉर्थ और साउथ पे, ईस्ट एंड वेस्ट पे दोस्तों, इसमें 90 डिग्री रहता है, ठीक है ये वाला पॉइंट। इसके अलावा प्रिज्मेटिक कंपास में जितनी भी रीडिंग रहती है दोस्तों वो हमारी क्या रहती है उल्टी लिखी हुई रहती है, सर्वे कंपास में हमको सीधी लिखी हुई रहती है दोस्तों, ठीक है सर्वे कंपास के अंदर जो रीडिंग रहती है वो हमको सीधी लिखी हुई रहती है। लिस्ट काउंट की बात करती है तो प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर 30 मिनट का होता है और इसके अंदर 1 डिग्री का होता है दोस्तों, ठीक। एक और चीज़, प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर हमेशा हम जो रीडिंग मेजर करेंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। बट सर्वे कंपास में हम क्लॉकवाइज भी मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर करेंगे, नॉर्थ से भी मेजर करेंगे और साउथ से भी मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट किस क्वाड्रेंट में दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंस हो जाता है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मेरिडियन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेरिडियन, मेरिडियन होता है क्या दोस्तों, ठीक। पहला मेरिडियन बात करते हैं कि ट्रू मेरिडियन होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, ग्रिड मेरिडियन और एक होता है हमारा आर्बिट्ररी मेरिडियन, ठीक है। आप लोगों को पता है दोस्तों कि जो हमारा ज्योग्राफिकल जो अर्थ है, ठीक है, जो शेप होती है, ठीक है, उसमें जो हमारी ज्योग्राफिक मेरिडियन की बात करते हैं, ठीक है, एक तरफ होता है हमारा दोस्तों नॉर्थ होता है अर्थ की बात करते हैं और दूसरी तरफ होता है हमारा साउथ वाला पोल, ठीक है। एक तरफ होता है नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ होता है साउथ पोल, इन दोनों को जो एक इमेजनरी लाइन दोस्तों जो कनेक्ट कर रही है, एक इमेजनरी लाइन जो कनेक्ट कर रही है, इसको हम बोलेंगे ट्रू मेरिडियन। क्या बोलेंगे इसको हम? ट्रू मेरिडियन बोलेंगे। इसके अलावा यदि आप मैग्नेटिक कंपास को यदि आप कहीं रखते हैं, ठीक है, तो एटमोस्फेयर कंडीशन में रुकने के बाद, फिर सस्पेंडेड होने के बाद में जिस डायरेक्शन को बताएंगे दोस्तों उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे, ठीक। इसके बाद होता है हमारा ग्रिड मेरिडियन, तो ग्रिड मेरिडियन किसको बोलेंगे दोस्तों? तो जो भी हमारा ज्योग्राफिकल जो मेरिडियल है, ठीक, इसके पैरेलल यदि कोई लाइन हम कंसीडर कर रहे हैं, इसके पैरेलल यदि कोई लाइन हम कंसीडर कर रहे हैं और उसके अबाउट यदि हम कोई बेयरिंग से मेजर करेंगे तो वो होगी दोस्तों हमारे कौन सी होगी? ग्रिड मेरिडियन होगी। आर्बिट्ररी मेरिडियन मतलब यदि कोई अपने लेवल पर यदि कोई एक्सिस यदि हम कंसीडर कर रहे हैं और उसके अबाउट यदि हम लेंगे तो वो होगा हमारा आर्बिट्ररी मेरिडियन, टेम्पररी यदि हम अज्यूम करेंगे अपने लेवल पर, तो ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं एक बार और फिर से ट्रू मेरिडियन की बात करते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, ज्योग्राफिकल जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है उन दोनों को जो लाइन है कनेक्ट कर रही है दोस्तों उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। ये हमारा ट्रू नॉर्थ और साउथ को जो कनेक्ट कर रही है उसको हम बोलेंगे ट्रू मेरिडियन, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ट्रू मेरिडियन हो गया। और उसके बाद जो मैग्नेटिक लाइन जो डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक जो नीडल है हमारे जिस डायरेक्शन को बताएगी वो होगा दोस्तों हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। इसके बाद होता है हमारा ग्रिड मेरिडियन। तो समटाइम्स फॉर प्रिपेयरिंग ए मैप सम स्टेट एजेंसीज, ठीक, क्या बोल रहे हैं कि समटाइम्स फॉर प्रिपेयरिंग ए मैप सम स्टेट एजेंसीज एज्यूम सेवरल लाइंस पैरेलल टू द ट्रू मेरिडियन। जो ट्रू मेरिडियन होता है उसकी पैरेलल हम क्या करते हैं दोस्तों? एज्यूम कर लेते हैं, कुछ लाइनें एज्यूम कर लेते हैं और उसके पैरेलल से यदि हम कोई बेयरिंग्स मेजर करेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा ग्रिड मेरिडियन। आर्बिट्ररी मेरिडियन कि समटाइम्स फॉर द सर्वे ऑफ स्मॉल एरिया ए कन्वीनियंट डायरेक्शन इज एज्यूम्ड एज ए मेरिडियन इज नोन एज आर्बिट्ररी मेरिडियन। देखो आपको स्मॉल वर्क के लिए सर्वे परफॉर्म करना है कंपास तो हम अपने लेवल पर भी कुछ एज्यूम कर लेते हैं डायरेक्शन, तो वो जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन के अबाउट यदि हम कोई बेयरिंग्स मेजर करें किसी ऑब्जेक्ट की किसी स्टेशन की दोस्तों तो वो होगी हमारी आर्बिट्ररी मेरिडियन। अब हम बात करते हैं एक बार फिर से डायग्राम की, तो आपको बताना चाह रहा हूं मैं कि मेरिडियन क्या होता है और बेयरिंग किसको बोलेंगे, ठीक है। तो डायग्राम आप देखिए वन बाय वन करके एक एक पॉइंट को आप देखिए स्लाइड में। ये हमारा कोई भी अर्थ सरफेस है, ये TN जो है हमारा ट्रू नॉर्थ हुआ जिसको हम बोलेंगे ट्रू मेरिडियन। A पे हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है दोस्तों, B पे हमारा कोई भी स्टेशन से या कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। A पे हमने इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है तो जो डायरेक्शन मैग्नेटिक नीडल जो बताएगी दोस्तों, तो MN हो गया हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, MN क्या हो गया हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, ठीक, और ये हमारा ट्रू नॉर्थ हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी जो है दोस्तों ये हमारे सर्वे लाइंस हो गई है, ए इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हो गया और बी भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या कोई भी हमारा स्टेशन ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद मैग्नेटिक MN से AB वाली लाइन का जो हमने बियरिंग्स मेजर किया है दोस्तों उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक बियरिंग। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों? मैग्नेटिक बियरिंग, क्योंकि MN क्या है दोस्तों? मैग्नेटिक मेरिडियन है। इस मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में अभी हमने AB लाइन का बियरिंग्स मेजर किया है, एंगल मेजर किया है, तो ये हमारा मैग्नेटिक बियरिंग है। इसके बाद यदि आप TN के रिस्पेक्ट में यदि आप बियरिंग्स मेजर कर रहे हैं, ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में यदि आप मेजर कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ट्रू मेरिडियन, ठीक है। तो ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में यदि किसी लाइन का बियरिंग्स मेजर कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों ट्रू बियरिंग। क्या बोलेंगे इसको? ट्रू बियरिंग बोलेंगे। MN क्या हो गया? मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, और TN क्या हो गया दोस्तों? हमारा ट्रू मेरिडियन, क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेयरिंग क्या होती है, ठीक है। तो बेयरिंग का अभी हमने देख लिया दोस्तों कि चार टाइप की हमारी बेयरिंग होती है, एक होता है हमारा ट्रू बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग और ग्रिड बेयरिंग, और एक होती है हमारा आर्बिट्ररी बेयरिंग। यदि आप ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में यदि किसी ऑब्जेक्ट का यदि आप बेयरिंग मेजर कर रहे तो वो भी हमारी ट्रू बेयरिंग होगी। यदि आप मैग्नेटिक नीडल जो डायरेक्शन बताएगी तो मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में यदि आप किसी लाइन का आप बेयरिंग मेजर कर रहे तो वो भी हमारा मैग्नेटिक बेयरिंग। ग्रिड मेरिडियन के रिस्पेक्ट में यदि हम कोई एंगल मेजर कर रहे हैं तो दोस्तों वो होगा हमारा ग्रिड बेयरिंग। और आर्बिट्ररी मेरिडियन के रिस्पेक्ट में यदि किसी लाइन का हम बेयरिंग मेजर कर रहे तो वो होगा हमारा आर्बिट्ररी बेयरिंग। एक बार फिर से दोस्तों डायग्राम के अंदर देखना, ठीक है, ये इस प्रकार से, सॉरी एक बार फिर से देखना डायग्राम में। ए स्टेशन पे हमने इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है,
ट्रू नॉर्थ हो गया जिसको हम बोलेंगे ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक नॉर्थ यानी मैग्नेटिक मेरिडियन, ए बी लाइन हो गई हमारी यानी ऑब्जेक्ट की लाइन हो गई, सर्वे लाइन्स हो गई, ठीक है। एम एन से ए बी का जो बेयरिंग होगा उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक बेयरिंग, ठीक है। और टी एन से ए बी का जो बेयरिंग होगा दोस्तों उसको हम बोलेंगे ट्रू बेयरिंग। ए एम एन हो गई हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, ओके क्लियर। दोस्तों आप लोगों को वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो उसको प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर दीजिए। टी एन दोस्तों अपना क्या हो गया इसमें ट्रू मेरिडियन, और ठीक। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन दोस्तों क्या होता है। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन अभी हमने देखा कि एक था हमारा ट्रू मेरिडियन और एक था हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच का जो डिक्लाइनेशन है, जो एंगल है दोस्तों, ओरिएंटल एंगल जिसको हम बोलेंगे या बियरिंग जिसको हम बोलेंगे, वो होगा हमारा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लेनेशन। दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, ये था हमारा ट्रू नॉर्थ था, ठीक है। ये हमारा ट्रू नॉर्थ है और ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है। ये हमारा एम एन है और ये हमारा क्या है ट्रू नॉर्थ टी एन। इन दोनों के बीच का दोस्तों ये जो एंगल है इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डिक्लेनेशन, ठीक है। अब दोस्तों इसमें ध्यान रखना आपको, यदि डायग्राम मैंने दो दे रखे हैं, ठीक है, ट्रू नॉर्थ से यदि हमारा मैग्नेटिक नीडल क्या है ईस्ट की साइड में, ये हमारा क्या है इधर ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। एक तरफ क्या है ईस्ट है और एक तरफ वेस्ट है। यदि मान लो पहले डायग्राम में हमारा क्या देखा वेस्ट की साइड में, ठीक है, वेस्ट की साइड में यदि क्या हो गई हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ यदि रिफ्लेक्ट हो गया दोस्तों वेस्ट साइड में, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव डिक्लेनेशन या वेस्टर्न डिक्लेनेशन बोलेंगे, ठीक है। नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे इसको और इसको हम बोलेंगे वेस्टर्न डिक्लेनेशन। इसके अलावा यदि हमारा ट्रू नॉर्थ से जो मैग्नेटिक नीडल है वो यदि मान लो ईस्ट साइड में क्या हो गई है डिक्लाइन हो गई है डिफ्लेक्ट हो गई है, तो दोस्तों जो हमारे बेयरिंग्स होगा या जो डिफ्लेक्शन एंगल होगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव साइन के साथ में डिनोट करेंगे और उसको हम बोलेंगे ईस्टर्न डिक्लेनेशन। क्या बोलेंगे उसको ईस्टर्न मैग्नेटिक डिक्लेनेशन दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक और डायग्राम देख लीजिए, ये ट्रू मेरिडियन और ये मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच का ये है, ठीक। ये ईस्ट की साइड में डिक्लेन क्या हुआ ईस्ट की साइड में हुआ दोस्तों, तो इसको हमने लिया है थीटा आई यानी ईस्टर्न डिक्लेनेशन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से किधर लिया है इस साइड में, ये मैग्नेटिक वाला हो गया ये ट्रू मेरिडियन, ये वेस्ट साइड में हुआ तो इसको हमने लिखा हुआ थीटा डब्ल्यू, थीटा डब्ल्यू लिखा हुआ मतलब क्या हुआ वेस्टर्न है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यदि हमको ट्रू बेयरिंग फाइंड आउट करना है दोस्तों, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो जो भी हमारी मैग्नेटिक बेयरिंग है उसमें हम क्या करेंगे प्लस माइनस कर देंगे, जितना भी डिक्लाइनेशन दिया है उसको हम प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे तो हमारा ट्रू बेयरिंग आ जाएगा। प्लस कब करेंगे दोस्तों, तभी मैंने बताया था प्लस कब करेंगे कि यदि आपका इस साइड में यदि दिया हुआ है तो आप प्लस साइन करेंगे, ठीक है, वेस्ट साइड में दिया है तो आप क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे, तो दोस्तों हम क्या आ जाएगा ट्रू बेयरिंग आ जाएगा। मतलब मैग्नेटिक बेयरिंग के अंदर जो भी डिक्लेनेशन दिया हुआ है ईस्ट साइड में दिया हुआ डिक्लेनेशन, तो ईस्टर्न डिक्लेनेशन को हम प्लस कर देंगे मैग्नेटिक बेयरिंग के अंदर तो ट्रू बेयरिंग आ जाएगी, वेस्टर्न डिक्लेनेशन दिया हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे तो ट्रू बेयरिंग आ जाएगी, ठीक। या इसका उल्टा यदि हम मैग्नेटिक बेयरिंग फाइंड आउट करते हैं तो भी हमारा वही आपको लेना है, बट साइन आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप थम्स अप कर दीजिए इसको, आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में आप शेयर कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ डेजिनेशन ऑफ बेयरिंग या सिस्टम ऑफ बेयरिंग, ये लेक्चर सेकंड के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट अभी तक आप लोगों ने यदि पिछले मेरे लेक्चर्स नहीं देखे तो उसको आप सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट के अंदर दोस्तों एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है गीता देवी एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर, एक सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है, नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, इसके अंदर सारे लेक्चर्स आपको दोस्तों मिल जाएंगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।